आज बनाने जा रही हूँ लेडीज सॉक्स, तो जिसके लिए देखिए मैंने ये दो कलर इसमें यूज किए हुए हैं और 10 नंबर सलाई यूज की हुई है। और देखिए इसमें मैंने 38 फंदे डाले हैं, ये देखिए। तो 38 फंदे डालने के बाद दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुना है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 रो बनाने के बाद मैंने इसमें 5 फंदे इधर बढ़ाए हैं, 5 फंदे इधर बढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने ये कलर चेंज किया है, देखिए एक रो बनाने के बाद यहाँ पे 2 रो हो गई, फंदे बढ़ा लिए, उसके बाद एक रो और निकाल दिए। फिर मैंने कलर चेंज किया है, फिर उसके बाद 4 4 रो बना के कंप्लीट की है। ये देखिए दोनों की गांठ स्टिच इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 मैंने वाइट की डाली हैं और 4 ये पिंक कलर की डाली हैं। और देखिए ये थंब तक आ गया है, आप इसी तरीके से इसको बना लें, सिंपल बुनना है इसको। और देखिए ये आपके थंब के तरफ, थंब के पास आना चाहिए, ये देखिए थंब के पास तक आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा खींच के आप नाप लीजिए। और देखिए ये थंब तक आ रहा है और मैं इसमें इधर थंब बनाऊंगी, अगले में इधर बनाऊंगी, दोनों इसी तरीके से बनने हैं। अब देखिए यहाँ से मैं सिर्फ वाइट कलर से बुनूंगी इसको, ये देखिए यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए मैंने 16 फंदे ले लिए। अब मैं यहीं से इसको पलट लूँगी और देखिए यहाँ से उल्टा उल्टा बुनूँगी इस तरीके से। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए इस तरीके से सीधे तरफ से सीधा, उल्टे तरफ से उल्टा, ये देखिए ऐसे मैं बनाऊंगी थंब। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको बुन लिया है और ये देखिए 2 रो ये बन गई हैं यहाँ पे। अब देखिए प्लेन इस तरीके की मैं इसमें 14 रो बनाऊंगी, तो मैं बना लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे 14 रो बना के कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे मैं फंदे घटाऊंगी, तो मैं ये थंब की गोलाई के लिए 4 फंदे एक साथ बुन रही हूँ ऐसे, ये देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे बुनेंगे, ये देखिए लास्ट में इधर से ऐसे आगे से, ये देखिए इस तरीके से इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से 1 रो और बना देंगे ऐसे, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए। अब इन्हीं फंदों में से मैं सुई निकालूंगी इस तरीके से, जितने फंदे हमारे पास ये बचे हैं इनमें सब में से इस तरीके से सुई निकाल दूंगी ऐसे, ये देखिए इस तरीके से एक बार निकाल दी और एक बार और इन्हीं में से निकाल देंगे, ये देखिए ऐसे इस तरह से खींच देंगे, तो ये देखिए थंब बिल्कुल आगे से अच्छा सा बनेगा ये। और देखिए इसी धागे से मैं इसको आगे तक सिल दूंगी, यहाँ तक जहाँ तक मैंने ये सीधे फंदे लिए हैं, ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक ऐसे सिल दिया है। और देखिए अब मैं इधर उंगलियाँ बनाऊंगी, तो यहाँ से मैं धागा अटैच कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से इसको भी सीधा ही बुनेंगे यहाँ से ऐसे, अब देखिए इसको बीच वाले फंदे तक ऐसे ही बुनेंगे, जहाँ पे हमारा आधे आधे फंदे करूँगी मैं, बीच के 3 फंदे छोड़ के बना लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने ये 16 फंदे इधर ले लिए और 16 इधर ले लिए, 3 फंदे बीच में इस तरीके से, आपके जितने भी फंदे हों आप इसी तरीके से इनको कर लीजिए, बराबर बराबर करके 3 फंदे बीच में रख लीजिए, उसको इस तरीके से
तीन का एक कर देंगे सीधे सीधे तरफ से, उल्टे तरफ से कोई फंदा नहीं घटेगा इसमें ऐसे। बाकी बचे फंदे ये मैं सीधा बुनूंगी इस तरीके से, उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करूंगी मैं। उल्टी रो में कोई फंदा नहीं घटेगा। इसको मैं कर लेती हूँ, ये देखिए मैंने इसमें उल्टी रो पूरी कंप्लीट कर ली, और देखिए सीधी रो में यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब देखिए बीच वाले फंदे तक आ गई हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से ऐसे फंदे ट्विस्ट करके तीन का एक करेंगे इस तरीके से, ये तीन का एक कर दिया। उसके बाद इन फंदों को सीधा बुनेंगे उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब मैं फिर सीधे साइड आ गई हूँ, तो यहाँ से एक फंदा उतार के और इन फंदों को सीधा बुनूंगी बीच वाले फंदे तक। ये देखिए अब मैं इस तरीके से इसको पलट के ऐसे करके और तीन का एक करूँगी। ये देखिए अब देखिए मैंने तीन टाइम घटा दिए फंदे, और इसी तरीके से दो बार और घटाऊँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी सीधे पर घटे। ये देखिए मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया, पांच टाइम मैंने फंदे घटाए हैं। अब देखिए उल्टे साइड से इन फंदों को मैं क्लोज करूँगी इस तरीके से, दो का एक करते हुए सभी फंदे क्लोज कर दूंगी। इनको कर लेती हूँ मैं। अब देखिए मैं इसको सिलूंगी, तो मैं देखिए सीधा साइड ऐसे अंदर करके सबसे पहले मैं यहाँ से इसको जोड़ूंगी। ये देखिए यहाँ तक। अब इसी धागे को मैं वापस लाऊंगी। अब देखिए यहाँ से इसको पकड़ लेंगे जहाँ से ये प्लेन बना है, उस इसको मैं यहाँ से बंद करूँगी। ये देखिए अब इसको थंबाले को, थंब मैंने पहले ही यहाँ तक सिल दिया था। अब देखिए दोनों को ऐसे पकड़ के और यहाँ से ये देखिए ऐसे यहाँ पे मिला लेंगे ये, और देखिए इसको रो से रो मिलाते हुए सिलेंगे दोनों को। आप चाहें तो दोनों कलर से भी सिल सकते हैं। और देखिए यहाँ तक जहाँ तक मैंने ये फंदे यहाँ से बढ़ाए थे पूरा बंद करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको बंद कर दिया और पक्का कर दिया इस तरीके से। थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे धागे को और इसको कट कर देंगे। आप देखिए यहाँ से मैं इसको एड़ी तक सिल के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने सिल के कंप्लीट कर दिया। ये देखिए ये मैंने बना के कंप्लीट कर ली है, और देखिए ये सात और आठ नंबर को आएगी, और ये थोड़ी लूजी है। आप थोड़ा सा कमी फंदे रखिएगा और लंबाई भी अपने अकॉर्डिंग इसकी कर लीजिए।